और ये बहुत भावपूर्ण दृश्य है। देखिए कि आधे दूर से आकर यमुना मैया जो है वो बीच तक आ रही है, और बीच तक का वो दृश्य देखिएगा कि बीच तक आते 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 वो किनारे की तरफ गौ माता आ रही है। लेकिन गौ माता की ऐसी भक्ति, ऐसा भाव आपने नहीं देखा होगा कि प्रतिदिन नियमित रूप से यमुना मैया को पार करते हुए बेलवन की तरफ और उधर जंगल की तरफ विचरण करने जाती हैं, और शाम होते ही गौ माता जो है फिर वृंदावन यानी बिहारी जी के दरबार की ओर लौटती हैं। दोस्तों आप सब जो है यमुना मैया का तो दर्शन करिए, आज भावपूर्ण दर्शन हो ही रहा है, लेकिन गौ माता को देखिए कि गौ माता कैसे प्रतिदिन नियमित यमुना मैया को पार करते हुए बिहारी जी के तरफ जाती हैं। ये आश्चर्य से भरा हुआ है, ये भक्ति से भरा हुआ है, भाव से भरा हुआ है, और बहुत सारे ये भक्तगण हैं वो सारे यहाँ पर सब कोई बता रहा है कि लगातार कई वर्षों से ये दृश्य वो देख रहे हैं। एक बार फिर जरा यमुना मैया की तरफ और उधर गौ माता की तरफ लेके चलिए, और वो देखिए कैसे गौ माता जो है पार होती हुई आ रही हैं, एक छोर से उधर छोर से किनारे से गौ माता धीरे धीरे आ रही हैं, और जल देखिए कि कहीं पर जल थोड़ा ज्यादा है, कहीं पर थोड़ा कम है, लेकिन वो लगातार आती हुई आ रही है बाहर। और ये बहुत भावपूर्ण दृश्य है, देखिए कि आधे दूर से आकर यमुना मैया जो है वो बीच तक आ रही है, और बीच तक का वो दृश्य देखिएगा कि बीच तक आते 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 वो किनारे की तरफ गौ माता आ रही है। ये ऐसा दृश्य, ऐसी ये भाव, ऐसी भक्ति आप सबने नहीं देखी होगी। मैं लगातार आप सबको संतों के दर्शन करा रहा हूं, त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूं, लेकिन गौ माता की ऐसी भक्ति, ऐसा भाव आपने नहीं देखा होगा कि प्रतिदिन नियमित रूप से यमुना मैया को पार करते हुए बेलवन की तरफ और उधर जंगल की तरफ विचरण करने जाती हैं, और शाम होते ही गौ माता जो है फिर वृंदावन यानी बिहारी जी के दरबार की ओर लौटती हैं। ये भक्ति का अनुपम भाव है। फिर देखिए यह गौ माता जो एकदम किनारे किनारे आ रही हैं और बाहर निकल रही हैं, और बाहर निकलकर ये जो रास्ता एकदम जा रहा है वो रास्ता बिहारी जी के दरबार की ओर जा रहा है। यहाँ से बस 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर बिहारी जी का दरबार है, बिहारी जी का स्थान है, जहां पर लाखों की संख्या में प्रतिदिन भक्त दर्शन करने जाते हैं। वही गौ माता जा रही है, और ये देखिए बाहर आ गई गौ माता, और फिर जो है वो निकल गई दर्शन के लिए। ये रज जो है रज में होते हुए यानी वृंदावन की रज में होते हुए गोधूली में होते हुए शाम के समय बिहारी जी के दरबार में जा रही। ये दृश्य बहुत पावन और पवित्र है, ये बहुत पुण्य है, और ये आश्चर्य से भरा हुआ है, बहुत आश्चर्य से भरा हुआ है कि प्रतिदिन गौ माता ऐसे यमुना मैया में उस पार जाती हैं और फिर नियमित रूप से निकल कर आती हैं। जिस तरह से गौ माता यमुना मैया को पार कर रही हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं भगवान श्री कृष्ण की, कन्हैया की, ठाकुर जी की कोई सखी तो नहीं है, ललिता विशाखा इनमें से कोई ना कोई है, क्योंकि जिस भाव से गौ माता यमुना मैया को पार करके बिहारी जी की दरबार की तरफ बढ़ती हैं, तो सही में ऐसा लगता है कि द्वापर युग की ललिता और विशाखा हैं। या फिर कोई संत या ऋषि तो नहीं है, क्योंकि जिस श्रद्धा और भाव से गौ माता यमुना मैया को पार करती हैं, और बड़े ही सहज और बड़ी ही सरलता से उनका भाव रहता है, बड़े ही निर्मलता के साथ, बड़े धीरे 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 पार करने के बाद वो बढ़ जाती हैं बिहारी जी के दरबार में, तो ऐसा लगता है कि द्वापर युग के कोई संत होंगे, द्वापर युग के कोई ऋषि होंगे, जो कन्हैया के आने का इंतज़ार कर रहे होंगे, जो ठाकुर के वृंदावन फिर आने का इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा भावपूर्ण दृश्य वास्तव में ये देखकर मन आनंदित हो जाता है, और जरूर कहीं ना कहीं द्वापर युग से इसका जुड़ाव है। तो अब यहाँ के और भक्तों से पूछेंगे, और लोगों से पूछेंगे कि उनका भाव कैसा है, उनका भी आप लोगों ने गौ माता को पार होते हुए देखा, यमुना मैया को पार करते हुए कैसे भाव से भक्ति से आ रही। यहाँ पर बहुत सारे भक्त भी हैं, उन्हें भी बड़ा आश्चर्य है कि गौ माता प्रतिदिन कैसे जाती हैं, पार होती हैं। तो आसपास के जो भक्तगण हैं वो क्या कहते हैं, उनसे जानेंगे। जी मैया राधे राधे। शेरदास
राधे राधे। जी जी जी, जी प्रभु जी। हम माता गौ माता रोज ही आती है। जी जी, 5:30 बजे का टाइम है उनका, 5:30, और इस टाइम 7 बजे तक चली जाती है उस तरफ। जी जी जी, अच्छा चली जाती है। हाँ, उस तरफ चली जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि कभी कभी जल ज्यादा हो जाता है, नहीं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनका इस तरफ अपना एक ही टाइम आने का, उधर की तरफ से ही आती है, उधर की तरफ से आती है। अच्छा, और वही शाम को 5 बजे, 5:30, 6 भी बज जाते कभी कभी, क्योंकि वो चरने का सिस्टम होगा उनका, या बिहारी जी की क्या कृपा है, उन्होंने क्या समय बना रखा है। जी जी, वो दृश्य उधर का दिखाइएगा। हाँ, जो मैया बता रही हैं वो उधर पश्चिम की तरफ से, आ रहे हैं जो सूर्य दक्षिण अस्त हो रहा है ना। हाँ, सूर्य अस्त की तरफ से आती हैं और इधर पूरब की तरफ चली जाती है। सूर्य अस्त होते हुए जिस तरफ है वो मैया बता रही हैं कि उधर से आती हैं और फिर निकल जाती हैं, तो बिहारी जी की तरफ जाती हैं। तो ये बड़ा आश्चर्य है। हाँ, श्री जी की कृपा है उन पर, जो भी है श्री जी की क्या है। जी, क्या मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मेरे को 6 महीने हो गए देखते हुए बराबर लगातार। मैं डेली आती हूँ यमुना महारानी के दर्शन करने, दीपदान करने, रोज ही आते हैं हम लोग, आधा घंटे बैठते हैं महारानी के पास। जी जी जी, और बस हम रोज दृश्य देखते हैं, खुद हम आश्चर्य रह जाते हैं कि क्या कृपा है, क्या श्री जी की कृपा है। देखिए कैसे ना कि गोपालक जो है कन्हैया ने गौ माता की भक्ति की और आज गौ माता जो है दर्शन करने की तरफ। रोज 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 नियम है यहाँ, रोज नियम है, प्रतिदिन नियम है। तो ये देखिए मैया भी बड़े भाव से ये कह रही है कि प्रतिदिन का ये नियम है, गौ माता जो है यमुना मैया को पार करती है और पार करते हुए फिर बिहारी जी के दरबार की तरफ चली जाती। ये बहुत अद्भुत नजारा है, अद्भुत दृश्य है, और ये जो है पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कैसे नियमित गौ माता जो है यमुना मैया को पार करती है, पार करने के बाद फिर उधर से शाम को एक निर्धारित समय पे, एक टाइम पर, आपकी घड़ी ने 5 बजाया नहीं कि गौ माता जो है वहां से चलना शुरू होती है और धीरे धीरे करीब 10 मिनट का वक्त लगता है यमुना मैया को पार कर जाती है। और जैसे मैया बता रही कि चाहे बाढ़ आए, चाहे पूरा पानी आ जाए, और उसके बावजूद जो है गौ माता प्रतिदिन निकलती है। गौ माता को यमुना मैया पार करते हुए एक दो नहीं सैकड़ों भक्त प्रतिदिन देखते हैं और वो भी आश्चर्य से भर जाते हैं कि कैसे गौ माता यमुना मैया को पार करती हैं और फिर बिहारी जी की दरबार की तरफ निकल जाती हैं। यहाँ साधना कर रहे एक भक्त जो दिखाई दे गए और उनका भी कहना है कि वो कई बार गौ माता को यमुना मैया पार करते हुए देखे। जी राधे राधे। राधे राधे जी, क्या नाम है महाराज जी? अमन कुमार नाम। अमन जी, कहाँ से हैं आप? हम यहीं से हैं, हनुमान टेकरी, खोखला आश्रम के सामने। तो गौ माता को जो अभी हम लोग पार करते हुए देख रहे थे जी, तो आपने भी देखा? बिल्कुल, हमने आंखों से देखा, हम यहाँ आचमन कर रहे थे जी, तो वो गौ माता वहाँ से आई और वो पानी में तैरते 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 यूं होके और यूं चली गई, बिहारी जी की तरफ चली गई, बिहारी जी की तरफ। वो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ, इसलिए मैं उस दृश्य को देखता रहा काफी समय तक कि वो कैसे गौ माता तैरते हुए आ रही है, तैरते हुए आ रही है। ये नियमित उनका? बिल्कुल बिल्कुल, वो रोजाना यहाँ यहाँ से सामने से आती है और रोजाना इधर बिहारी जी की तरफ आती है। ये भाव देखिए कि जिन गौ माता की भक्ति गोपाल जी ने की, यानी कन्हैया ने की, ठाकुर जी ने की, और वही गौ माता आज जो है गोपाल जी के दरबार में, यानी बाकी बिल्कुल 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 जी के दरबार में जा रही है। बहुत अच्छा लगता है जब के गौ माता वहाँ से आती है और बिहारी जी की तरफ जाती है, तो बहुत अच्छा लगा। वो ये भक्ति और भाव का बिल्कुल कोई एक बड़ा प्रभाव है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी जी, तो ये महाराज जी भी ये कह रहे हैं कि भक्ति और भाव का कोई ना कोई प्रभाव है जिसके कारण से प्रतिदिन गौ माता जो है वो पार होती हैं यमुना मैया और फिर जो है बिहारी जी की तरफ निकल जाती हैं। सारे भक्त भी हैं यहाँ पर जो प्रतिदिन ये दृश्य देखते हैं और उनको भी आश्चर्य होता है कि कैसे गौ माता जो है भक्ति में लीन है। जी बहुत बहुत वंदन। जी श्री राधे जी, यमुना जी, मैं वृंदावन से ही हूँ जी। यमुना जी में कितना ही जल हो, कितना ही जल हो, उसी जल के अंदर तैर तो ये डेली 5 बजे करीबन वृंदावन आती हैं, आकर के बिहारी जी के पास में सब यहाँ पे यमुना जी किनारे घूम करके फिर वापस जा करके फिर शाम को डेली इनका यही है जी। तो यमुना मैया में कब प्रवेश करती है, कब ये जाती है? 4:45 बजे करीबन उधर से आती है। अच्छा, पल्ली पार से आती हैं? हाँ, पल्ली पार से आती हैं और 5 बजे तक यहाँ आ जाती हैं। डेली 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 का जी, जी, रोज आती हैं, रोज प्रतिदिन। जी हाँ, रोज। इसका मतलब वो दोपहर ऊपर के समय उधर जाती हूँ? हाँ, दोपहर में मतलब, नहीं अब इस टाइम टहल टहल के फिर उधर चली जाएंगी, फिर उसके बाद में फिर उनका 5 बजे का आने का टाइम है उधर से आने का। रात को निकल जाती हैं, रात को फिर उधर निकल जाएंगे, शाम को फिर वो उस टाइम आएंगे। रात में कई बजे निकल जाएंगे? मतलब टहल टहल के थोड़ी देर बाद निकल जाते हैं, आधे घंटा टहल के फिर निकल जाते हैं, 6:30 बजे तक चली जाती है। नियमित क्रम है, 5 बजे कभी भी
आप यमुना जी के तट पे आइएगा, यमुना जी के तट पे आने के बाद बैठिएगा, रोज आपको आती हुई डेली ही दिखाई देगी। तो आपको कब से ये पता चला? मुझे ये जो हो गया, मुझे आज 6 महीने हो गए इन्हें देखते हुए। 6 महीने से मैं रोज 6 महीने से लगातार मैं यमुना जी बैठता हूँ, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक बैठता हूँ। तो मैं डेली दर्शन करता हूँ, डेली दर्शन करता हूँ। तो ये कैसी अनुभूति है कि रोज का प्रतिदिन का जाना? देखो जी, ऐसा है जब ये वृंदावन में बिहारी जी यमुना जी से स्नान करते हैं, यमुना जी के जल से स्नान करते हैं, तो इनका रोज की परंपरा है कि यहाँ पे आके बिहारी जी का सामने बिल्कुल सामने जा रहा है, वहीं पे सामने मंदिर है, तो वहीं पे उनके दर्शन करने आती है डेली यमुना जी पार करके, और फिर अपने यमुना जी से जा करके फिर पल्ली पार चली जाती है। जी जी, तो महाराज जी भी ये कह रहे हैं कि 6 महीने से करीब देख रहे हैं, 6 महीने से गौ माता का दर्शन कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि यमुना मैया को पार करने के बाद जो बिहारी जी के लिए रास्ता जाता है, इधर से आप देखेंगे उस तरफ गौ माता जो है चली जाती है। बहुत आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन गौ माता जो है यमुना मैया को पार करती हैं, और पार करने के बाद फिर बिहारी जी के दरबार में चली जाती हैं। यमुना मैया के तट पर यहाँ बहुत सारे भक्त हैं, और हर भक्त का ये कहना है कि हाँ, गौ माता को देखा है। एक मैया है जो कन्हैया को, बाल गोपाल को लिए हुए हैं, और देखिए यमुना मैया में जो है वो यमुना मैया के एकदम किनारे बैठी हुई हैं। मैया से पूछते हैं, आपने गौ माता को? हाँ हाँ, गौ माता को हमने देखा है, वहाँ से पल्ली पार से आते हुए और इस पार आती हैं, बहुत सारी आती हैं। जी जी, और बहुत नजारा। अच्छा, ये जो है देख रहा था कि बिहारी जी की तरफ जो है उधर निकल जाती हैं। हाँ, बिहारी जी की तरफ जाती हैं उधर। तो कब कितने दिनों से देख रहे हैं आप? कितनी? मुझे तो अभी 16-17 साल हो गए मेरी शादी को, यहाँ मेरी ससुराल है, यहाँ जब सही देख रहे हैं। अच्छा, तब से आप देख रहे हैं। तो ये मैया जो है बाल गोपाल को, ठाकुर जी को, कन्हैया जी को छोटे से लिए हुए हैं, उनका भी कहना है, उनका तो ये कहना है कि 16-17 साल हो गए और तब से वो दृश्य देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्तगण हैं जो यहाँ के हैं, वो भी बता रहे हैं कि काफी समय से वो ये दृश्य देख रहे हैं। यहाँ यमुना जी के किनारे बहुत सारे हमारे संत भी हैं, पंडित जी भी हैं, जो यहाँ पर पूजन सामग्री बेचते हैं और भक्तों के को भाव से भरते हैं। तो महाराज जी से भी जानेंगे। अभी हम देख रहे थे कि गौ माता जो है वो पार कर रही थी यमुना मैया को। जी, वृंदावन से यमुना जी जो है, और यहाँ से उधर लक्ष्मी जी का मंदिर है, बेलबन जब है वहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं उसको चढ़ने के लिए इधर से यमुना इसे पार कर जाती है, शाम के समय उधर से वापस होती निकल कर आती है। और यमुना जी का जो शाम को गौध है, गोधूल का है, गोधूल जो ऊपर से अगर मनुष्यों पे पड़ जाती है उसका बहुत बड़ा महत्व है। गौ माता का पार होना नियमित, गौ माता का नियमित पार होना इनका है, बड़ा आश्चर्य। चर्च से भरा हुआ है, जल कम है इसलिए है, ज्यादा जल हो जाता है इनको दिक्कत पड़ती है। यहाँ पंडित जी का भी कहना है कि वो काफी समय से देख रहे हैं गौ माता को पार होते हुए। एक बात जो उन्होंने बताई है वो द्वापर युग की है और वो भक्ति से भरी हुई है। पंडित जी का ये कहना है कि जब गोधूली का समय होता था तो उस समय ठाकुर जी यानी कन्हैया बंसी भट से लेकर चलते थे, गौ माता को वापस लेकर आते थे, और जैसा कि उन्होंने मैया से भी कहा है, यशोदा मैया से भी कहा है कि 4 पहर बंसी भट भट के सांझ पहर घर आयो, यानी शाम को घर आते थे, गोधूली का वो समय होता था, और ऐसे ही नियमित तौर पर गैया गौ माता जो है वो आती हैं। आप ये देख रहे हैं कि सूर्यदेव जो है अस्त हो रहे हैं, धीरे धीरे अपनी लालिमा के साथ जो है वो अस्त होने की कगार पे हैं, और ऐसे समय पर इस निर्धारित समय पे ये एकदम गोधूली का समय है, और फिर जो है ठाकुर जी जैसे गौ माता को लेकर वापस आते थे उसी तरह से गौ माता निर्धारित उसी समय पर धीरे धीरे यमुना मैया को पार करती हैं, और पार करते हुए बिहारी जी की तरफ जो है जिस तरफ रास्ता जा रहा है वहां पर निकल जाती हैं। तो एक निर्धारित समय ये आश्चर्य करने वाला है। अगर मान लीजिए कि गौ माता आती हैं जाती हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन एक निर्धारित समय पर जब गोधूली का समय है, जब ठाकुर जी कन्हैया गौ माता को वापस ले आया करते थे चराने के बाद, उस समय अगर निकल रही हैं तो ये बहुत आश्चर्य से भरा है, भक्ति से भरा है। और जब भी आप वृंदावन में आएंगे तो यहाँ युगल घाट पर ऐसा भावपूर्ण दर्शन करिए, देखिए, और गौ माता से जरूर आशीर्वाद लीजिए, जरूर वो दिव्य रूप है, दिव्य दर्शन है, और उनका भाव और आनंद करके उनके गोधूली को
चर मस्तक पर लगाइए, वृंदावन की जय। देखिए शंखनाद भी हो गया, महाराज जी को दिखाइए, ये विजय का घोष है, शंखनाद है, और ये हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का प्रतीक है। और इस विजय घोष के साथ, शंखनाद के साथ एक बार हम सब मिलकर बोलेंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो।